भीमगढ़ फोर्ट, रियासी चिनाब ब्रिज, राफ्टिंग पॉइंट, कालिका मंदिर, सिहाड़ बाबा वाटरफॉल, सलाल पावर स्टेशन, इस पेंटिंग में आपको ये मिलेगी। पूरे रियासी की टूरिज्म, पूरी सैर आप इस पेंटिंग में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की अपडेट की तरफ। हे गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं आ चुका हूँ जी खाड़ ब्रिज के ऊपर अपडेट लेने के लिए। और आज का मौसम थोड़ा बादलों से भरा हुआ आसमान आपको दिखेगा और धूप अभी इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं है, और धूप के बिना थोड़ी क्लैरिटी गाइस कम रहती है। वो HD प्रिंट नहीं आता यार, वो देखिए पीछे धुंध आपको दिखेगी। अपडेट होगी और वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए शुरू करता हूँ, उस तरफ की वीडियो दिखाता हूँ आपको। वाओ क्या दृश्य है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको दिख रहा है ब्रिज, और यहाँ पर बनी है बिल्डिंग, और ये बीच का जो इसका कनेक्टिंग ब्रिज है, इसको पूरा बना के ऊपर कुछ भी सामान नहीं पड़ा है, जैसे ट्रेन चलने की क्लियरेंस मिल गई हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इसी से आगे बढ़ते हैं, तो अभी ये चल रहा है काम। जब तक इसके डेक्स बनने का काम चलता रहेगा, तो ये शेड भी आपको बीच में दिखता ही रहेगा। और ये ऊपर पूरा ब्रिज केबल्स बाद में देखेंगे। उस तरफ का टनल वो दिख रहा है सामने, एस्केप टनल, दोनों दिख रहे हैं, मेन टनल, एस्केप टनल, और साथ ही जो पिलर है वहाँ पर जिसके ऊपर ये ब्रिज रखा जाएगा वो भी कंप्लीट हुआ, और साथ ही उसके नेक्स्ट दूसरा है वो भी ग्राउंड लेवल तक ला दिया गया है। और चलिए अब कर लेते हैं बात इस ब्रिज की। यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं और वहाँ पर देखिए वाओ, और वहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि कितनी केबल्स और लगना वहाँ बाकी रह चुकी हैं। वहाँ निशान देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर एक साइड और 6 पेयर दूसरी साइड, 12 और 12 24 वायर्स और लगेंगी। तो 96 आपको मालूम है टोटल लगनी है, और उसमें से 24 पेंडिंग रह चुकी हैं, और मे भी थोड़े से दिन में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये स्लीपर्स लाए गए हैं, बस नई अपडेट आपको ये देखने को मिलेगी, स्लीपर्स यहाँ पर ला के रखे गए हैं। और यहाँ पर 2 से 3 महीने का टाइम और लग सकता है इसको पूरा कंप्लीट करने में। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहाँ आपको नीचे का कुछ नज़ारा दिखा लेता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, बस इसके नीचे ये जंगल है, और फिर गहरी खाई शुरू हो जाती है, और ये नाला सीधे अंजी खाड़ के साथ नीचे वहाँ पर जाकर मिलता है, वो आप नीचे देख सकते हैं, और काफ़ी गहराई है वहाँ से ऊपर, वहाँ तक भी एक रोड है, और वहाँ से भी होते हुए उस तरफ की कंस्ट्रक्शन के लिए उस दूसरे वाले रोड से आया जाता है। सो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और यहाँ की अपडेट जो नेक्स्ट अपडेट होगी उसकी अपडेट मैं आपको यहाँ पर देता ही रहूँगा, और फिर मिलेंगे तो बढ़िया सी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।